उसको बनाए, क्योंकि सक्षम समाज है, अपने तीर्थ का संरक्षण करता है, तो सारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भारत में चलाता है, जैसे कि आपको भी दिखता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले एक कुछ राजनीतिकरण किया गया, मैं आपको पुनः कहूंगा वो बहुत गलत है। जैन समाज ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हम लोग कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते। तो मैं आज इसी प्रेस वार्ता के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस जो हमारी श्री अमेशगढ़ जी सद्भावना यात्रा है, ये 5 फरवरी 2023 को सरदना से शुरू होगी, विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई 8 फरवरी 2023 को दिल्ली में प्रवेश करेगी और 5 मार्च 2023 को अनेकों राज्य जो भी राज्य में पड़ेंगे, कहीं पैदल कहीं गाड़ी से, हम 5 तारीख की शाम को सम्मेलन शिखर जी पहुँचेंगे मधुबन, 6 तारीख को पर्वत पर पर्वत की सफाई करेंगे, वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे, 7 तारीख को जितनी भी कल्याणकारी योजनाओं को मैंने आपको यहाँ पर उल्लेख किया है उन सबकी वहाँ पर शिलान्यास होगा सकल जैन समाज के सानिध्य में और पूज्य संतों के सानिध्य में। इसके अलावा रास्ते में जाने वाले जो जो भी हमारा मार्ग रहेगा उसमें जितने भी हमारे जैन तीर्थ होंगे या जो हमारे पूज्य संत जैन संत विराजमान होंगे उन सबका आशीर्वाद मार्गदर्शन लेंगे ताकि हम इस गतिविधि को आगे बढ़ा सकें। और जो शिखर जी में उस समय हमारे संत विराजमान होंगे सभी का पावन सानिध्य आशीर्वाद लिया जाएगा। तो मैं इसी घोषणा के साथ आपको निवेदन करूंगा कि आप हमारी इस बात को, क्योंकि ये विषय, ये जितना भी विषय है सारा केवल जैन समाज का नहीं है, पर्यावरण संरक्षण हम पूरे देश पूरे विश्व में चाहते हैं कि सभी पर्वतों का संरक्षण हो, पहाड़ों पर किसी भी क्षेत्र में चाहे वो जैन क्षेत्र हो चाहे अजैन क्षेत्र हो कोई भी पर्यटन गतिविधि ना हो, क्योंकि पर्यटन शब्द आते ही मौज मस्ती आ जाती है और पवित्रता समाप्त हो जाती है। और ये कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी हैं हम चाहेंगे कि आने वाले समय में विश्व जैन संगठन भाई राजेश जी की तरह से हमें लोग और दानदाता मिले और हम अभी सभी क्षेत्रों पर इस तरह की गतिविधियां शुरू करें ताकि वहां के स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिल सके। मैं निवेदन करूंगा। इसके अलावा छोटे छोटे जो महिलाएं जैसे आपको प्रतिनिधियों के रूप में देख सकते हैं स्थानीय आदिवासी भाइयों के लिए, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन में जिस प्रकार की गतिविधियां पहाड़ पर सरकार कहती है पर्यटन के नाम पर, वो हम तलहटी में करना चाहते हैं ताकि वो तलहटी से हमारे जितने भी यात्री बंधु जाए वहाँ वो उस सामान को खरीदें, उनको रोजगार मिले, क्योंकि वहाँ पर जैन समाज उतना नहीं है, हमारे जो स्थानीय आदिवासी भाई हैं वही उस तीर्थ का संरक्षण करते हैं, वही रोज उस पर्वत पर जाते हैं, मैं तो कहूँगा हमसे ज्यादा पुण्यशाली मान सकता हूँ कह सकता हूँ, तो उनको क्यों ना हम सुविधा दें। इसी संदर्भ में हमने कल्याणकारी योजनाएं हम 7 तारीख को शुरू करेंगे और मैं आपको एक बहुत ही विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि इस सब कार्य के लिए 8,000 गज जगह हमारे भाई संरक्षक परम शिरोमणि संरक्षक राजेश जैन जी हमारे परम शिरोमणि संरक्षक हैं, आपकी वहां पर 10,000 गज जगह है और आपने अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से उस 10,000 गज जगह में से 8,000 गज जगह विश्व जैन संगठन को समाज देने का निश्चय किया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आज प्रेस वार्ता के माध्यम से। और ये मैं आपको ये जो मैप है ये मैं आपको ड्राइंग भी दिखाना चाहूंगा, आपके भाव बने और आपने जो है 8,000 गज जगह विश्व जैन संगठन के माध्यम से सकल जैन समाज को समर्पित करने के भाव बनाए हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि श्री सम्मेलन शिखर की तलहटी में मधुबन के अंदर, क्योंकि आज बहुत ही विकसित एक गांव है, लेकिन जिस प्रकार से आपने भाव बनाए और ये जो सारी गतिविधियां हुई हैं उसमें आपका चिंतन था कि हम वहां पर इस तरह की गतिविधियां शुरू करें, तो 7 मार्च 2023 को ये सारी कल्याणकारी योजनाओं के शिलान्यास वहां पर होगा, क्योंकि ये जगह आपके संरक्षण में है गत 5 वर्षों से, तो हमें उसमें खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल हमें वहाँ शिलान्यास करना है और वहाँ की स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेकर जो जो हमारी गतिविधियाँ हैं हम उनको भी आमंत्रित करेंगे। और मेरा मानना है कि जो हमारी योजनाएं हैं सारी वो झारखंड सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हम इसमें सरकार का कोई सहयोग, हम इसी चिंतन के साथ आज यहाँ पर विशेष रूप से हमने प्रेस वार्ता रखी है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे जैन समाज के इस अहिंसक आंदोलन को, जिसमें किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जो किसी भी वहां के स्थानीय आदिवासी भाइयों को नुकसान पहुंचाए या किसी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाए,
हमारी एक सीधी सी मांग थी कि गजट नोटिफिकेशन को आप अमेंड करिए, लेकिन कुछ राजनीतिक इसका राजनीतिकरण किया गया जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। कुछ इस तरह की भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया, जैसे कि वहाँ के जो स्थानीय हमारे आदिवासी भाई हैं जो रोज पर्वत की यात्रा करते हैं उनको कहीं ना कहीं जैन समाज के सामने लाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज इस मंच से उन सभी आदिवासी भाइयों को कि उन्होंने इस विषय को समझा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता विषय समाज में फैला मीडिया के माध्यम से। हम इसी चिंतन को लेकर हमने एक प्रयास किया है विश्व जैन संगठन और सकल जैन समाज के सहयोग से, श्री सम्मेश शिखर एक सद्भावना यात्रा की शुरुआत करेगा 5 जनवरी 2023 को प्रातः 8 बजे 2023 को प्रातः 8 बजे सरधना उत्तर प्रदेश से। वहां पर हमारे परम पूज्य आचार्य श्री 108 भारत भूषण जी मुनिराज विराजमान है, उनके आशीर्वाद से हम यहाँ यात्रा शुरू करेंगे। और ये यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुख्य हमारे जैसे मुजफ्फरनगर, खतौली, बड़ौत, सहारनपुर, शामली, उसको ये संदेश लेकर जाएगी पर्यावरण संरक्षण का, ये संदेश लेकर जाएगी सद्भावना का। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने उन क्षेत्रों में जाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए बात करें और उनसे हम एक बीज लें, हर परिवार हमें एक बीज दे ताकि हम उस बीज को ले जाकर अपने उस पर्वत राज पर वृक्षारोपण करें। और उस ये हमारी जो यात्रा है दिल्ली 8 तारीख को आएगी और दिल्ली से झारखंड ये अनेकों शहरों से होती हुई वहां पहुंचेगी और इसका एकमात्र लक्ष्य होगा पर्यावरण संरक्षण, पवित्रता और सद्भावना। और वो संदेश लेकर जाएगी कि हमारे जैन समाज की ओर से कभी भी किसी भी स्थानीय बंधुओं या किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी नेता विशेष के लिए कोई विषय नहीं है, कोई ये विषय जो है कोई मालिकाना हक का नहीं है जिस प्रकार से वहां पर भड़काया जा रहा है। हम अपनी बात बहुत ही अहिंसक तरीके से हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ रखेंगे और ये संदेश देंगे पूरे देश को पूरे विश्व को कि पर्यावरण संरक्षण होगा तभी हम अपने तीर्थों की संरक्षण कर सकते हैं। और उदाहरण आप देख सकते हैं, फिर मैंने बता रहा हूँ जोशीमठ हो चाहे वो केदारनाथ में, आप विकास के नाम पर विनाश करेंगे, अगर पर्वतों पर आप गाड़ियां दौड़ाएंगे, सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे, पत्थरों का खनन करेंगे तो बिल्कुल उचित नहीं है। और हम इस बात से ये जो हमारी यात्रा है ये यात्रा हमारी 5 मार्च की शाम को श्री सम्मेश शिखर जी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में झारखंड पहुंचेगी और 6 तारीख को हम उस पर्वतराज की वंदना करेंगे, वहां की सफाई करेंगे और वहां पर वृक्षारोपण करेंगे। 7 मार्च को अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, जो विषय है वो विषय है वहां पर जो हमारी श्री सम्मेश शिखर की मधुबन है, वहां पर हम ऐसी चैरिटी वर्क करना चाहते हैं, कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना चाहते हैं जिससे वहां जाने वाले सभी यात्रियों का और स्थानीय बंधुओं का, आदिवासी भाइयों का, आसपास के गांवों का कल्याण हो। वहां पर सुविधाएं तो बहुत हैं लेकिन जिस तरह की सुविधाएं उस तीर्थराज की तलहटी मधुबन में होनी चाहिए वो अभी नहीं है। उसके अंदर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सबसे पहले नर्सरी से 5वीं तक की एक कॉलेज एक स्कूल और 6वीं से 12वीं तक का एक कॉलेज हो, एक हॉस्पिटल सुविधा हो। अभी पीछे कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं कि हमारे कुछ यात्री भाइयों को आकस्मिक मृत्यु का सामना करना पड़ा क्योंकि कुछ सुविधाएं वहां नहीं है। तो हम चाहेंगे कि वहां पर चाहे एयर एम्बुलेंस लगानी पड़े, हमारा कोई भी यात्री वहां पर ना उसकी आकस्मिक मृत्यु हो और जो हमारे स्थानीय भाई हैं उनको एक वर्ल्ड की बेस्ट हम वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज दे सकें अपने सकल जैन समाज के सहयोग से। विश्व जैन संगठन केवल संयोजक है। इसी प्रकार से वहां पर शिक्षा हम चाहते हैं कि वहां पर जो हमारे स्थानीय भाई हैं हिंदू हैं उनके जो बच्चे हैं 5वीं तक के और 6वीं से 12वीं तक के कॉलेज में आकर पढ़े वो जैन कॉलेज होगा और उसमें कोई भी पूरे देश से कोई भी जैन भी जाकर पढ़ सकता है, लेकिन हम प्राथमिकता चाहेंगे कि वहाँ के स्थानीय लोगों को हम एक स्टेटस दे सकें। इसके अलावा हमारा विचार है कि एक अनाथालय वहां पर हो, एक वृद्धाश्रम। उस वृद्धाश्रम में हमारे जो बुजुर्ग हैं अनुभवी बुजुर्ग हैं उन वे लोग हमारे अनाथ जो बच्चे हमें मिलेंगे हम उन्हें अडॉप्ट करें और वहां पर ले जाकर उन्हें पाले और संस्कार दें।